तो गाइस आज का एपिसोड खत्म होने से पहले मुझे कन्वर्ट होना ऐसी यार एक खतरनाक बहुत बड़ी हल्क शार्क में, और ये वाली देखो रेड हल्क शार्क में कन्वर्ट होने के लिए मुझे खानी पड़ेगी ऐसी यार बहुत सारी रेड हल्क शार्क की कैंडीज, और ये कैंडीज मिलनी यार लॉस सेंटोस में बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर यार मुझे यहाँ पे अभी पता चला है कि ये वाले पानी के है ना झील में बहुत सारी शार्क्स छुपी हुई है जिनके पास है ना हल्क शार्क की कैंडी है, तो मैं जल्दी से जाके इनको यहाँ से लेने वाला हूँ। ये देखो यार गाइज यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ज़ॉम्बी मेगलोडॉन शार्क्स आई हुई है, और इनके पास यार किसी एक के पास है वो हल्क शार्क की कैंडी जो मुझे चाहिए। मुझे जल्दी से जाके पानी में उतरना पड़ेगा इनके साथ, होपफुली ये लोग मुझे खाना जाए। नम 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 नम, फ्रैंकलिन को खाएंगे हम तो। नहीं 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 नहीं, फ्रैंकलिन को मत खाना गाइज। देखो यार यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से है ना पानी में उतर के स्विमिंग करना चालू करता हूँ। गाइज देखो यार यहाँ पे मुझे तुम लोगों का हेल्प चाहिएगा, तुम लोगों को जल्दी से वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में स्विम लिखना पड़ेगा। SWIM, स्विम का मतलब होता है तैरना, क्योंकि यार मुझे यहाँ पे स्विमिंग करके पानी में जाना और वहाँ पे हल्क शार्क की कैंडी ढूंढनी है। लेट्स गो गाइस। और यहाँ पे देखो ये मेगलोडॉन हल्क शार्क्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस लग रही है। अभी देखो यार जो हल्क शार्क है ना खुद की कमर के ऊपर उल्टी लेटी हुई है ना, मतलब यार वो रिलैक्स हुई हुई है, वो है ना मुझे खाने का ज्यादा ट्राई नहीं करेगी क्योंकि वो तो वहाँ पे है ना मस्त पानी में सो रही है। ये देखो जैसे ये एक हल्क शार्क है ये यहाँ पे अपना मुंह खोल के सो रही है, ये इसके पास जाना सेफ है। और ये देखो यार ये दूसरी वाली हल्क शार्क है ये तो अपने साइड में सो रही है तो मैं इनके पास भी जा सकता हूँ। पर ये देखो गाइस ये वाली जो हल्क शार्क है मेगलोडॉन साइज की रेड वाली है, इसकी आंखें देखो कैसी चमक रही है, ये अपना मुंह खोल के खड़ी है और सीधी भी है, तो मतलब इसको भूख लग रही है, ये मुझे खाने की कोशिश करने वाली है। चलो देखो होपफुली तुमने कमेंट सेक्शन में अभी तक स्विम तो लिखी दिया होगा ना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे जाके ये सारी शार्क्स को पहले चेकआउट कर लेता हूँ। अरे वाह देखो यार यहाँ पे तो पानी में कितना सारा कूड़ा, अच्छी बात नहीं गाइस कूड़ा करना। ये देखो यार ये वाली जो शार्क सो रही है ना मैं इसके पास पहले जाता हूँ और ये देखता हूँ इसके पास हल्क शार्क की कैंडी है क्या। रुको रुको गाइस यार ये देखो इसका यहाँ पे पेट भी खुला हुआ है, एक सेकंड यार इसके पेट के अंदर जाके चेक करता हूँ। ओह नो गाइस यार देखो इसके पास तो एक भी हल्क शार्क की कैंडी ही नहीं है इसके पेट में। यार मुझे तो लगा था यहाँ पे मुझे कैंडी मिल जाएगी। रुको गाइस यार ये जो बड़ा वाला हल्क शार्क है इसी के पेट में जाके मुझे चेक करने दो। ओ माय गॉड नो गाइस, मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। ये देखो यार ये जो हल्क शार्क की कैंडी है वो ये वाली जो जिंदा वाली हल्क शार्क है उसके पेट में। नम नम नम, फ्रैंकलिन तू यहाँ पे आया तो तुझे खा जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना अलाउड नहीं है गाइस, मुझे चिंता नहीं है। तुम लोगों ने अभी तक कमेंट सेक्शन में स्विम तो लिखी दिया होगा ना, तो मेरी स्विमिंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और जैसे ही है ना यहाँ पे मैं ये कैंडी को खाऊंगा बहुत ही ज्यादा मैं तो एक खतरनाक हल्क शार्क में अपग्रेड हो जाऊंगा ना वैसे भी। नम 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 नम, फ्रैंकलिन इधर आया तो तकलीफ कर दूंगी। अरे कैसे तकलीफ करूंगी गाइस, मुझे बड़ी वाली हल्क शार्क चाहिए। ये देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अरे ये देखो ये तो थोड़ी थोड़ी देर में इनविजिबल हो जाती है। ये देखो यार यहाँ पे हल्क शार्क की कैंडी रखी हुई है। रुको पर यार इसके पेट में चला गया मैं। अरे फ्रैंकलिन को तो लगता है चाहता है कि मैं इसे खा लूं। ये देखो ये पेट में मेरे कुत्ते जा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, तेरे पेट में नहीं जाना मुझे गाइस, जल्दी से काम करता हूँ, ये कैंडी को मैं पानी के अंदर ही खा लेता हूँ। जल्दी से नम 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 नम। फ्रैंकलिन मेरे पेट की कैंडी चुरा ली तूने। अरे हाँ गाइस देखो इसकी पेट की कैंडी तो मैंने चुरा ली, अब तो मैं यहाँ से जल्दी से पानी से भाग रहा हूँ। भाग मत फ्रैंकलिन, मैं आ रही हूँ तेरे पीछे। अरे नहीं 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 आना गाइस, तुम देख सकते हो मैं भी एक शार्क में कन्वर्ट हो गया, मेरा तुम्हें फिन दिख ही रहा होगा। ये देखो गाइस लेट्स गो, मैं तो एक खतरनाक रेड हल्क की शार्क में कन्वर्ट हो चुका। अभी देखो यार मैंने एक ही हल्क शार्क की कैंडी खाई है, इसके लिए मुझे सबसे बेसिक वाला हल्क शार्क का सूट मिला है। और जैसे जैसे मैं और तगड़ी है ना यहाँ पे कैंडीज खाता जाऊंगा, यहाँ पे देखो तीन चार कैंडीज मुझे खा लूंगा तो यार मैं ऐसे खतरनाक रेड हल्क शार्क में कन्वर्ट हो जाऊंगा, वो भी जायंट पावर्स के साथ। तो गाइस देखो यार मैं तो इतना तगड़ा सा हल्क शार्क बन चुका हूँ, अब यार मैं यहाँ पे आया हूँ और भी थोड़ी सी हल्क शार्क को खाने के लिए, पर उसके लिए पहले मुझे ये बहुत तगड़ा जंप करना पड़ेगा। गाइस ये देखो यार यहाँ पे मैंने परफेक्टली इसको कर लिया क्या, अरे काउंट के जा रहा। अरे कोई तो मेरी मदद कर दो, अरे तुम तो एक हल्क शार्क जैसे लग रहे हो। अरे हाँ हाँ मैं हल्क शार्क हूँ, एक सेकंड में तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। गाइस ये देखो यहाँ पे मैं इसी के लिए आया था। ये देखो मैं तुम्हें जल्दी से सबसे पहले बता देता हूँ मैं यहाँ पे करने के आया हूँ। यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे एक रेड हल्क शार्क है, उसके है ना यहाँ पे तीन तीन बच्चे उसने रख रखे। ये देखो और इतनी बड़ी बड़ी हल्क शार्क की वेल्स है यार, मैं आज इनको खाने के लिए आया हूँ जिससे मैं भी इनके जैसा बड़ा बड़ा बन जाऊँ। अरे प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बच्चे कुछ खाना ही नहीं खा रहे। यहाँ पे देखो मैंने इतने सारे इंसान मार के यहाँ पे इकट्ठे किए, मैं नॉर्मली यहाँ पे इनको खाना डालता हूँ तो तेज तेज जाती है, पर आज तो ये लोग आ ही नहीं रहे। ये वाली तो देखो कैसे उल्टी शैतान की तरह पड़ी है, प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे हाँ 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 मैं इसके लिए तो आया हूँ, मैं हल्क शार्क की हॉस्पिटल से आया हूँ, आपने फोन किया था ना वहाँ पे। अरे मैंने तो कोई हॉस्पिटल को फोन नहीं लगाया। अरे नहीं नहीं लगाया था, आपके तीनों बच्चों में से किसी एक ने लगाया होगा, देखो वो कितनी ज्यादा बेचारी फिड़फिड़ा रही है, तुमको मेरी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी बच्चों की जान बचा लोगे? अरे हाँ हाँ पक्का बचा लूंगा। अरे पर मैं कैसे
जैसे मान लो कि तुम एक हल्क के डॉक्टर हो। अरे मान लो ना यार प्लीज ऐसे ही। अरे कोई चांस नहीं है, मैं मेरे प्यारे बच्चे को ऐसे अगले बगले डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेने दूंगा। तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम एक हल्क के डॉक्टर हो। अरे नहीं नहीं मैं तो हल्क शार्क का डॉक्टर हूँ। देखो यार आपके है ना सारे हल्क शार्क के बच्चों को है ना शार्क लेरिया हो गया है। शार्क लेरिया क्या होता है? अरे मतलब है ना ये मलेरिया होता है पर है ना शार्क को होता है, इसको शार्क लेरिया बोलते। ये देखो यार इसको तो बिचारी को कितना बुखार भी आ रहा है। अरे ऐसी कोई बीमारी के बारे में मैंने तो नहीं सुना, मैं तो 1000 साल का हल्क शार्क बन चुका हूँ। अरे पर यार अभी अपने जमाने में बहुत अच्छा खाने पीने की चीजें मिलती थी यार, आजकल की जो नई हल्क शार्क बढ़ी हुई है उनके पास यार ऐसे इंसान का खाने की क्वालिटी नहीं है। रुक जाओ यार मैं यहाँ पे आप इनका खाना टेस्ट करता हूँ। हाँ 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 ये देख रहा हूँ यार ये खाना तो सारा खराब है, गंदे इंसान खा रहे हो, इसके लिए आपके बच्चों को शार्क लेरिया हो गया है। अरे नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता। अच्छा चलो तो अगर तुम्हें प्रूव करना है कि तुम एक है ना शार्क के डॉक्टर हो तो जल्दी से मुझे शार्क की स्पेलिंग तो बताओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम है ना एक हल्क शार्क के डॉक्टर हो। ओए गाइस यार ये तो तकलीफ हो गई, मुझे तो शार्क की स्पेलिंग ही नहीं आती। मैं तो जब से एक शार्क बनाऊ ना देखो मेरा सर कितना छोटा हो गया, मेरे में अक्ल कम हो गई है। तो गाइस देखो तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और कमेंट सेक्शन में मुझे है ना शार्क की स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। गाइस क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कमेंट सेक्शन में शार्क की स्पेलिंग लिख दो यार वरना ये मानेगा नहीं। देखो यार मैं इसको है ना दवाई लेने के बहाने हॉस्पिटल भेज दूंगा, फिर इसके दिनों चारों है ना शार्क की बेबीज को मैं खा लूंगा। ये देखो यार ये शार्क का बेबी तो पानी के अंदर सो रहा है। कांगिया रे कांगिया ये देखो ये तो छुपने की कोशिश कर रहा है मेरे को। जल्दी से कमेंट सेक्शन में शार्क की स्पेलिंग बताओ, तुम्हें तो आती होगी, तुम लोग तो सब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो यार। ओके गाइस देखते यार अभी तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में शार्क की स्पेलिंग लिखी है। अरे तुमको तो लगता है शार्क की स्पेलिंग नहीं आती, तुम शार्क के डॉक्टर नहीं हो सकते। अरे नहीं रुको रुको ये देखो शार्क की स्पेलिंग है SHARK। अरे ये तो बिल्कुल सही स्पेलिंग बोली है तुमने। ठीक है मैं मानता हूँ तुम शार्क के डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब मुझे बताओ मैं मेरे बच्चे को कैसे बता सकता हूँ। अरे देखो यार तुमको शार्क लेरिया हो गया, तुम्हारे बच्चे को हॉस्पिटल में जाके बोलो शार्क लेरिया की दवाई दे, वो तुम्हें दे देंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या, जल्दी से जाता हूँ शार्क लेरिया की दवाई लेने, मेरे प्यारे बच्चों की जान बचानी है जो मुझे। गाइस यार देखो बहुत बढ़िया काम कर दिया। चलो यार अभी मैं ना यहाँ पे उतरता हूँ और ये पहली शार्क को मैं जल्दी से खा लेता हूँ जिससे ना मुझे पावर्स मिल जाए। लेट्स गो गाइस, ये देखो यहाँ पे जा रहा हूँ, आइए यहाँ पे जाता हूँ। मुंह, अरे ये मुंह क्यों कर रही है? ओ गाइस ये तो वेल है ना इसके लिए मुंह कर रही है, जल्दी इसको खा लेता हूँ। नम 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 नम। गाइस ये देखो यार मेरे पेट में से तो क्या जोरदार डकार निकली है, पर ये देखो यार ये पहली शार्क को खा के तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अभी तक तो मैंने सिर्फ एक शार्क की छोटी सी कैंडी खाई थी ना, इसके लिए मुझे पता नहीं चल रहा था। गाइस ये तीनों बाकी की शार्क को भी खा के मेरे को तो बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली। चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अरे रुको रुको ये कैसा फर्जी डॉक्टर आया है, कहाँ पे हो डॉक्टर साहेब, बात तो सुनो मेरी। अरे हाँ यहाँ पे हो, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहेब यार मैं तो शार्क के हॉस्पिटल जाके आया, वो लोग बोल रहे शार्क लेरिया तो कोई बीमारी नहीं होती, उसकी कोई दवा नहीं है। अरे यार हाँ हाँ ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया यार, शार्क लेरिया तो सीक्रेट बीमारी है, नॉर्मल लोगों को उसके बारे में बताते ही नहीं क्योंकि सारे हल्क शार्क डरने लग जाते ना। अरे क्या ऐसी बात है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चों को अब मैं कैसे बचाऊंगा। एक सेकंड यार मेरा पहला बच्चा कांग यार वो यहीं पे तो तैर रहा था। गाइस क्या बोलूं मैं इसको। अरे अंकल जी वो है ना उसको मैंने कहाँ पे भेजा, हॉस्पिटल में है ना एडमिट करवाया है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मानो मेरी बात मान जाओ। अरे सच्ची में तुम लोगों ने है ना इसको एडमिट कराते हुए देखा क्या? गाइस ये देखो यार ये पापा शार्क को है ना मुझे कन्विंस करना है कि मैंने इसकी है ना लड़के को है ना हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिखो। अरे क्या तुम लोगों ने सच्ची में देखा क्या? अगर तुम कमेंट सेक्शन में नो लिखोगे तो मैं ये छोटे हल्क शार्क को खा जाऊंगा। अरे नहीं मुझे खाना मत यार, देखो इतने सारे जन कमेंट सेक्शन में यस लिख रहे, सब जनों ने मुझे आपके लड़के को एडमिट कराते हुए देखा है। अरे मुझे तो इतने सारे यस नहीं दिख रहे। अरे दिख रहे गाइस यस लिखो। अच्छा चलो ठीक है, पर मुझे बताओ तो सर यार मैं शार्क लेरिया की दवाई कहाँ से लेकर आओ? अरे देखो वो लोग तुम्हें ना हॉस्पिटल से दवाई नहीं दे रहे ना शार्क लेरिया की, तो एक काम करो तुम क्या करो ना 4 आलू और ना 4 कांधे के टुकड़े लेकर आ जाओ, उन दोनों को है ना मिक्स करके मैं आलू की सब्जी बना दूंगा प्याज वाली, वो इनको खिला दूंगा तो वे ठीक हो जाएंगे। क्या प्याज वाली आलू की सब्जी से ये ठीक हो जाएंगे? पर ये तो हल्क शार्क है। बात तो सही है, उनको आलू की कमी हो गई है इसके लिए हो रहा है शार्क लेरिया। जल्दी जल्दी मेरी बात मानो वरना तुम्हारे बच्चे बचेंगे नहीं। अरे ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है जल्दी से चलता हूँ। आलू दे दो कांदा दे दो, मुझे मेरे बच्चों की जान बचानी है। गाइस ये अंकल तो देखो आलू कांदा लेने चले गए। अब यार ये वापिस है, उनसे पहले मैं फटाफट से ना इनके यहाँ पे बेबी को खा लेता हूँ। यार ये देखो यहाँ पे जा रहा हूँ। मुंह, तुमने मेरे पापा को बुद्धू बनाया मैं देख रहा हूँ। अरे चुप हो जा गाइस, देखो जब से मैं जल्दी जल्दी इसको खा लेता हूँ। नम 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 नम
गाइस यार अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। देखो यार ये मेरा शार्क मीटर बढ़ता जा रहा है। मैं नेक्स्ट हल्क शार्क में बहुत ही जल्दी अपग्रेड हो जाऊंगा। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगूंगा मैं तो। बस मुझे तीसरे और आखिरी शार्क के बच्चे को खाना है। ये देखो यार ये क्या मस्त यहाँ पे उल्टा लेट के रिलैक्स मार रहा है। अरे देखो मैं आलू प्याज की सब्जी लेकर आ गया। अरे अंकल आ गया यार वरना मैं इनकी बेबी को खा लेता। अरे डॉक्टर साहिब किधर हो? ये देखो ये ले आया मैं आलू प्याज की सब्जी। अरे आलू प्याज की सब्जी ले आया क्या? अरे हाँ ले आया। तो एक काम करो जल्दी से अपने लड़के को खिला दो। अरे पर मेरा दूसरे दोनों बच्चे कहाँ गए? तुमने उसको भी अस्पताल में एडमिट करवा दिया क्या? अरे हाँ यार अब तुम दवाई नहीं लेकर आ रहे तो क्या करो? अरे डॉक्टर साहिब क्या करते हो, मेरे दोनों बच्चों को गायब कर दिया। चलो यार अब मेरे तीसरे लड़के को भी एडमिट ना करना पड़े, इसके लिए मैं जल्दी से इसको आलू प्याज की सब्जी खिला देता हूँ। अले मेरे प्याले बच्चे इधर लाइए आलू प्याज की सब्जी खा ले। अरे डॉक्टर साहब ये तो वो दवाई को खा ही नहीं रहा। अरे हाँ वो दवाई तो खाने में बच्चे नाटक करते ही है ना, उनको कड़वी लगती है इसके लिए। अरे हाँ बात तो सही है। गाइस मैं अभी क्या करूँ, ये कोई असली में दवाई थोड़ी आलू प्याज की सब्जी। कोई शार्क को कभी तुमने आलू प्याज की सब्जी खाते हुए देखा है क्या? गाइस देखो मैंने अभी है ना दो हल्क शार्क खाई है ना, वो वाली बड़ी वाली, तो मेरे को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई थिंक यार मैं ये वाली रेड हल्क शार्क को भी खा सकता हूँ और इसकी बेबी को भी खा सकता हूँ। इन दोनों को एक साथ में अपचक कर जाऊंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी अपग्रेड हो जाऊंगा। आई थिंक मुझे ये डेयरिंग करनी पड़ेगी। चलो गाइस रिस्क है तो इसके मैं पानी में उतरता। अरे डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है यार, ये तो खा ही नहीं रही आलू प्याज की सब्जी। अरे रुको मैं खिलाता हूँ। ये देखो ऐसे मुंह खोलने के लिए आप बोलते हैं नम 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 नम। अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? नम 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 नम। गाइस ये देखो मैं तो इसको ही खा गया पूरी हल्क शार्क को। चलो अब इसको भी खा लेता हूँ। नम 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 नम। ओह गाइस ये देखो यार मैं तो यार एक खतरनाक हल्क शार्क में अपग्रेड हो चुका हूँ। ये देखो यार यहाँ पे मेरे पास यार एक रेड कलर की पूरी शार्क की बॉडी आ गई है, और ये देखो पीछे यार शार्क के फिन्स भी आ गए। आई थिंक यार मैं तो एक सुपर स्ट्रॉन्ग हल्क शार्क में कन्वर्ट हो चुका हूँ। गाइस सीरियसली देखो मैं तो बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ यार, इतनी तगड़ी हल्क शार्क में कन्वर्ट हो गया हूँ। और मैं तो यार यहाँ पे और भी हल्क शार्क की कैंडीज खाने आया हूँ। और ये देखो मुझे पता चला ये वाले अंकल के पास यहाँ पे देखो कितनी तगड़ी हल्क शार्क की कैंडी है, इसको तो मैं खा के रहूंगा। अरे मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो यार, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ हल्क शार्क के आइलैंड पे मेरी हल्क कैंडी के साथ। यहाँ पे देखो कितनी सारी हल्क शार्क यहाँ पे आ गई है, ये लोग मुझे सब मिलके खाने की कोशिश कर रही है। मदद कर दो, कोई तो मेरी मदद कर दो। ओ गाइस तुमने सुना क्या, वो वाले अंकल को मदद चाहिए। शायद मैं उनकी मदद करूंगा तो मेरे से इम्प्रेस होके मुझे है ना वो है ना चॉकलेट दे देंगे, हल्क शार्क की कैंडी। अरे अंकल जी सुनो मेरी बात सुनो। अरे मदद आ गई? अरे मदद नहीं, ये तो एक हल्क शार्क है, ये तो मुझे खाने की कोशिश करेगी। भागो। अरे अंकल नहीं रुको। अरे मेरे पीछे मत भाग यार, मुझे मत खा, मैं एक पुजारी हूँ, भगवान का आदमी हूँ, मुझे खा के पाप चढ़ेगा। अरे नहीं मैं खाने के लिए नहीं आया। अरे नहीं तू एक शार्क है, शार्क इंसान को खाती है, मैं तेरे लिए कभी भी नहीं रुकूंगा। गाइस देखो यार तुम लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में गुड बॉय लिखो, जिससे अंकल को पता चल जाए कि मैं गुड बॉय हूँ। अरे कमेंट सेक्शन में कोई भी हल्क शार्क के लिए गुड बॉय तो लिखेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है तू तो एक बैड बॉय है, तू मुझे पका के खाना चाहता है, मेरा पीछा छोड़ दे, तुझे मेरी हल्क शार्क की कैंडी कभी भी नहीं दूंगा मैं। अरे पर मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अरे नहीं तू बहुत बुरा लड़का है, मुझे पता है तू मेरी मदद नहीं करेगा, तू मुझे पका के खाना चाहता है। अरे नहीं सच्ची यार पक्का प्रॉमिस, नहीं चाहता पका के खाना यार। गाइस जल्दी से कमेंट सेक्शन में गुड बॉय लिखो यार, वरना ये अंकल तो रुकेंगे नहीं दौड़ना। भाई आप बहुत बुड्ढे हो गए, आपके घुटनों के लिए अच्छी नहीं है। अरे पर तू मुझे खा जाएगा फिर तो मेरे घुटने भी नहीं बचेंगे ना। पर एक सेकंड यार, कमेंट सेक्शन में इतने सारे प्यारे बच्चों ने गुड बॉय क्यों लिखा है? और बच्चे तो भगवान का रूप होते, वो झूठ कभी नहीं बोलते। अरे हाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलते यार, वो बहुत अच्छे बच्चे। रुक जाओ यार मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अरे तू पक्का प्रॉमिस करता है क्या? अरे हाँ पक्का प्रॉमिस करता हूँ। रुक जाओ मैं भी थक गया हूँ, अब तो कितनी देर से दौड़ रहे हो। अरे चल ठीक है यार रुक जाता हूँ, पर तू मुझे खाना मत, पाप लगेगा बहुत ज्यादा। अरे हाँ अंकल जी रुक तो जाओ यार, झप ही नहीं रखते तुम तो। अरे बेटा तू बता मेरी मदद कैसे करेगा तू? मदद कैसे करूंगा गाइस, वो तो मैंने सोचा नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरे को मदद करने का गिफ्ट क्या चाहिए। अरे क्या गिफ्ट चाहिए बेटा? अंकल ये देखो आपके पास ये जो रेड हल्क की शार्क कैंडी है, ये मुझे देनी पड़ेगी आपको, ठीक है? डील डन करे। अरे हाँ बेटा चल ठीक है डील डन करते हैं, पर तू मुझे खाएगा तो नहीं ना? अरे कितनी बार बोल दिया नहीं खाऊंगा ना यार अंकल, ये तो पावले हो गए ये तो। ठीक है बेटा, पर अगर यार तूने मुझे सेफली ये वाले हल्क शार्क के आइलैंड से मेन आइलैंड तक पहुंचा दिया यहाँ तक, तो ही मैं तुझे हल्क शार्क की कैंडी गिफ्ट में दूंगा। अरे हाँ ठीक है गाइस रुको यार, मुझे है ना यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। गाइस देखो अभी मैं एक जायंट साइज का हल्क शार्क नहीं हूँ कि मैं ना इन लोगों को सबको डायरेक्ट मार दूं, तो यार मुझे है ना इन लोगों को से अंकल को बचाना पड़ेगा। पर यार ये टास्क इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरा पानी है, ये सारी जंबो शार्क से भरा
हुआ है और इन लोगों को है ना ये हल्क शार्क की कैंडी खानी है। मुझे हल्क शार्क की कैंडी खानी है। सुबह हमारी एक हल्क शार्क की कैंडी चोरी हो गई, मुझे भूख लग रही है। अरे हाँ, पता नहीं कौन वो हल्क शार्क की कैंडी हमारे एक दोस्त के पेट में से चुरा के ले गया। अरे गाइज, ये तो मेरी बात चल रही है यार। छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ओ गाइज यार, ये अंकल को तो ये तो नहीं बता सकता कि मैंने कैंडी चुराई थी, वरना गुस्सा करेंगे। ठीक है गाइज, देखो अपने को यहाँ से लेके ये वाला आइलैंड तक जाना है, पर ये देखो ये जो पूरा बीच का पानी का पूरा एरिया है ना, ये सारा हल्क की शार्क से भरा हुआ है। पर गाइज देखो, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। ये छोटे छोटे आइलैंड है ना लैंड का पार्ट होता है, इसके लिए शार्क यहाँ पे ऊपर नहीं आ सकती। पर यार यहाँ पे है ना आजू बाजू के पानी में तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है। तो देखो यार यहाँ पे है ना दो तरीके के मुझे आइलैंड दिख रहे। ये देखो यहाँ पे सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, उनपे डेंजर थोड़ा ज्यादा है, पर यार यहाँ पे जल्दी जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं ना ये वाले रस्ते से जाऊंगा। देखो यार यहाँ पे एक दो और तीन और चार ऐसे बड़े वाले रस्ते पे जाऊंगा मैं, और है ना यहाँ पे आके शार्क्स को है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे आके नाचूंगा, पानी में गाऊंगा, जिससे ना ये शार्क को लगेगा कि ये लोग मुझे खाने आ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा रास्ता साफ हो जाएगा वो वाले अंकल के लिए। ठीक है ना अंकल, समझ गए। अरे बेटा, तू मेरे लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगाएगा? अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो एक हल्क शार्क हूँ, मेरी स्किन इतनी मोटी है ये लोग मुझे खा ही नहीं पाएंगे। आप प्लान समझ गए ना? अरे हाँ बेटा, मैं समझ गया। तू ये वाले रास्ते से जाएगा और सारी हल्क की शार्क को उधर डिस्ट्रैक्ट करेगा, और जब तू उनको डिस्ट्रैक्ट कर देगा तो मैं मेरी शार्क की कैंडी के साथ ये छोटे वाले रास्ते पे स्विमिंग करके आइलैंड तक पहुंच जाऊंगा। हाँ देखो यार है ना, आइलैंड पे ही रुकना, कोई भी है ना पानी में मत रुकना, वरना ये हल्क शार्क आपको स्मेल कर लेगी और खा लेगी। ठीक है गाइस, प्लान इज इन एक्शन, लेट्स गो। यार मेरे को मेरी जान की बाजी लगाना शुरू करना अंकल जी, सारी शार्क अट्रैक्ट होगी जल्दी से। अरे ये देखो, मैं तो पानी में आ गया, मैं तो कितना ज्यादा है ना मासूम सा हल्क शार्क हूँ, मुझे एटलीस्ट यहाँ पे आके कोई खा तो नहीं रहा ना। गाइज ये देखो, और यहाँ पे जाके सिर्फ है ना मेरे पैर को थोड़ा सा पानी में डुबो देता हूँ, जिससे सारे शार्क्स को है ना मेरी स्मेल आ जाए। अरे देखो मैं तो यहाँ पर आ गया, कोई मुझे होपफुली खा नहीं रहा, यहाँ पे मौसम कितना अच्छा है। अरे वाह, बल्ले बल्ले, शावा शावा। ये देखो, ये हल्क शार्क को लग रहा है कि हम इसे खा नहीं पाएंगे, पर इसको पता नहीं है हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। चलो इसको खाने चलते हैं। हाँ चलो इसको खाने चलते हैं जल्दी से। अरे गाइस देखो, मेरा प्लान काम कर रहा है, ये है ना हल्क शार्क तो हिलने लग गई है पानी में। चलो चलो जल्दी से चलता हूँ, यहाँ पे मेरी मदद कर दी है प्यारे लड़के ने। अरे अंकल जल्दी जल्दी दौड़ो, ये शार्क मुझे खाने आ रही है। अरे हाँ बेटा, चिंता मत करो, मैं तो यहाँ पे कूदता कूदता जा रहा हूँ। चलो जल्दी से दौड़ के वो छोटे वाले आइलैंड तक पहुँचने की ट्राई करता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, और आगे मुझे रिस्क हो जाएगा, मेरे को शार्क्स को और थोड़ा सा वो करने, तो वहाँ पे शार्क्स खड़ी है। ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा। अरे मेरे पैर की बहुत ज्यादा पास आ गई थी। फ्रैंकलिन भाग क्यों रहा है, तुझे कच्चा खाना है हमको। अरे कच्चा खाने में मजा थोड़ी आता है, पका के खाना। इधर आओ, देखो गाइस एक काम करता हूँ मैं, है ना यहाँ पे देखो सारी शार्क्स खड़ी है ना, इनके बीचों बीच उतरना पड़ेगा गाइस, अब और कोई चारा नहीं बचा है। ये देखो यार यहाँ पे जो बोया है इसके ऊपर जाता हूँ। ओए होए होए, ये देखो पैराशूट खोला मेरा रेड कलर का, आओ आओ मुझे खाओ। अरे ये फ्रैंकलिन तो पानी में उतर गया, खाने चलो इसको जल्दी से। फ्रैंकलिन के बच्चे ये देख आ गए, आ गए, इसकी पूंछ मुंह में ले लिया मुझे। आओ चाओ 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 चाओ। अरे ये तो बहुत जोरदार काट रही, अंकल जल्दी भागो यार, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, शार्क मुझ पे हमला कर रही थी देर में। अरे हाँ बेटा भाग रहा हूँ। अरे रे रे गाइस, ये तो कितना जोर से काट रही है यार, इसके पेट में से तो मुझे डायरेक्ट काट रही है। आउच, ओ माय गॉड। ये देखो यार मेरे को तो हाथ में कितने सारे क्रैक लग गए, खून वून आ रहा है सब जगह से। अरे चलो चलो वहाँ पे, चलो वहाँ पे फ्रैंकलिन को खाने मिल रहा है। अरे ये फ्रैंकलिन बेटा तो कितना ज्यादा अच्छा है, अपनी जान की बाजी लगा के मेरे को बचा रहा है। सब जन यार उसके लिए वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो ना, वो बहुत अच्छा है। अरे हाँ गाइस, यहाँ पे शार्क मेरे को खा रही है, अंकल जी देखो सामने एक शार्क है, उससे बचना। अरे हाँ बेटा, यहाँ पे देखो एक शार्क है, मुझे जल्दी से इसको पार करना पड़ेगा। अरे वहाँ पे देखो, तुम फ्रैंकलिन को जाके खाओ, फ्रैंकलिन तो एक हल्क शार्क है। अरे अंकल मेरे को फंसा रहे हो और तुम तो। अरे बेटा पर मैं बच जाऊंगा, तो तुझे ये हल्की कैंडी मिलेगी ना, फिर तू और अपग्रेड हो जाएगा। अरे हाँ ये भी सही बात है, हाँ हाँ आओ मुझे खाओ आके, आओ चाओ चाओ चाओ। गाइस अंकल पहुंचे क्या पानी पे, मुझे भागना यार यहाँ से। अरे हाँ बेटा बस पहुंच ही गया हूँ, जल्दी से तू पानी के बाहर आ जा थोड़ी देर के लिए, जिससे तू सेफ हो जाए। मैं तो यहाँ पे देखो तैर के ये वाला आइलैंड तक पहुंच चुका हूँ, अब बस मुझे है ना एक बार यहाँ पे पहुंचना है और यहाँ पे पहुंचना है, फिर तो मैं बहुत आसानी से पहुंच जाऊंगा। फ्रैंकलिन जल्दी आइलैंड पे आ जा तू भी। अरे हाँ हाँ, फ्रैंकलिन तो आने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे शार्क उसका पीछा ही छोड़ रही। ओए ओए ओए, रुक जा रुक जा रुक जा। आए नहीं नहीं, हर्ष बच गया। अरे नहीं बच पाया अंकल यार, रुको चुको। अरे सब जन इधर आओ, मुझे सबकी मदद चाहिए, ये फ्रैंकलिन तो बहुत ज्यादा कठिन है यार, इसकी हल्की स्किन बहुत ज्यादा मोटी है। रुको गाइस, मेरी छुरी कहाँ है, मैं इस शार्क को छुरी मारूंगा। ये ले ये ले ये ले। हाँ छुरी मार रहा है, मेरे को छुरी से कुछ भी नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता, रुक जाओ गाइस। अरे बाप रे गाइस यार, रुक जाओ, मुझे अब पानी के बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना तो मुझे खा जाएगी पूरा। ये ले एक छुरी मारी तुझे। छुरी मारता है फ्रैंकलिन के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे तू मुझे कैसे
नहीं छोड़ेगी, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। गाइस जल्दी से देखो मेरी शार्क की स्विमिंग की पावर इस्तेमाल करके मैं ये आइलैंड पे पहुंच जाता हूँ। ओए 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 ओए, हाश हाश हाश, देखो गाइस भले थोड़ा सा एरिया है पर यार यहाँ पे लैंड तो आ गया ना। रुक जाओ यहाँ पे नहीं, वो बड़े वाले आइलैंड पे आता। अरे हाँ बेटा भागो वरना ये शार्क तुम्हें पक्का खा जाएगी। अरे एक सेकंड गाइस रुको यार, मैं एक चीज तो भूल गया था यार, मैं एक हल्क शार्क हूँ ना। अरे हाँ बेटा हल्क शार्क तो हो, तो देखो यार मेरे पास एक स्पेशल गन है जिससे मैं शार्क्स को फेंक सकता हूँ। ये देखो यार ये वाली बंदूक में से ना यहाँ पे मछलियाँ निकलती है, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ यार, मैं अब ना खुद की जान पे रिस्क लेना छोड़ के ये वाली बंदूक से यहाँ पे पानी में बहुत सारी मछलियाँ फेंकता हूँ, तो उससे शार्क्स अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। अरे हाँ बेटा ये प्लान तो बहुत अच्छा है। अरे देखो यार यहाँ पे कितनी सारी जमीन में मछलियाँ आई है। रुको गाइस यार ये मछली से काम नहीं चलेगा, मेरे को बड़ी शार्क फेंकनी पड़ेगी यहाँ पे पानी में। यहाँ पे देखो ये सारी मछलियाँ तो इकट्ठी होती जा रही है। एक काम करता हूँ, ये थोड़ी छोटी वाली है ना शार्क वेल को यहाँ पे फेंकता हूँ। ये देखो हाँ हाँ इससे तो ये पक्का अट्रैक्ट होगी। ये देखो कैसे मस्त हवा में उड़ रही यार मेरी जो शार्क का बेट है वो तो। अरे चलो यहाँ पे तो और भी शार्क तो खाने का मौका मिलेगा, वो आदमी को बोलो जल्दी से यहाँ पे चलते हैं। अरे गाइस ये देखो मेरा प्लान काम कर रहा है, जल्दी से यहाँ पे शार्क से पूरा भर देता हूँ ये आइलैंड को मैं। यहाँ पे देखो इतनी सारी शार्क्स डाल दिए मैंने, तो वहाँ पे देखो वहाँ पे उछल भी रही है शार्क्स उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अंकल जल्दी भागो भागो। अरे हाँ फ्रैंकलिन बेटा, ये देखो जोर से मैं यहाँ पे दौड़ के आगे जा रहा हूँ जिससे मुझे ज्यादा देर स्विमिंग ना करनी पड़े। अरे हाँ अंकल भागो भागो। अरे ये देखो यहाँ पे तो पानी में एक भी हल्क शार्क नहीं है, फ्रैंकलिन ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अरे हाँ यार जान की बाजी लगा के काम किया। अरे नम 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 नम, ये शार्क तो खाने में तो बहुत मजा आ रहा है पर यार इनका स्वाद तो नकली आ रहा है। गाइस नकली शार्क का ही टेस्ट आएगा ना, वो तो मैंने गन से बनाई यार, मेरी स्पेशल पावर से असली शार्क का थोड़ी टेस्ट आएगा। अंकल एक काम करो आप पूरा दौड़ के ना मेन आइलैंड तक ही चले जाओ। अरे एक सेकंड ये देखो मैं समझ गई, ये फ्रैंकलिन हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके वो वाले अंकल तो वहाँ पे चले गए। अरे जिस अंकल को खाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो तो भाग के मेन आइलैंड पे पहुंच जाएंगे और वो अपने साथ हल्की कैंडी भी लेके जा रहे। नहीं अंकल तो वहां तक पहुंच गए। अरे बेटा ये देख मैं तो मेरी गाड़ी तक पहुंच गया, थैंक यू, तू भी जल्दी से अब यहाँ पर आ जा। अरे गाइस ये देखो ये शार्क तो मेरे पास से भी चली गई। एक काम करता हूँ मैं जल्दी से पानी में थोड़े से बम मार देता हूँ जो यहाँ से भी शार्क चली जाए और यहाँ पे जंप करके आगे चल जाता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े से ना लैंड के आइटम्स इनके ऊपर से चला जाऊंगा मैं। अरे गाइस एक चीज और देखो, ये बोट तो यार इधर पानी में तैरती मेरे पास आ गई, जल्दी से मैं इसमें बैठ के चला जाता हूँ ना, शार्क तो फिर मुझे खा भी नहीं पाएगी। अरे वो अंकल के पीछे गए उसी देर में फ्रैंकलिन भागने लग गया। फ्रैंकलिन को पकड़ो यार, इसको तो एटलीस्ट खा ले, अंकल को नहीं खा पाए तो। अरे तुम मुझे तो बिल्कुल ही नहीं खा पाओगे गाइस, ये देखो मैं बोट बैठ गया। अरे बेटा तेरे पीछे बहुत सारी शार्क आ रही है, जल्दी जल्दी बोट को भगा। अरे हाँ हाँ अंकल पता है मुझे, ये देखो ये रही वो मेरे पीछे शार्क। गाइस ये देखो इतनी बड़ी है। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे तुझे छोड़ूंगी नहीं, इधर आ इधर आ इधर आ। अरे नहीं 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 मैं नहीं उधर आ रहा। अरे फ्रैंकलिन बेटा जल्दी आ वरना वो शार्क तुझे मार देगी। अरे हाँ गाइस उसकी साइज तो देखो कितनी ज्यादा बड़ी है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। अरे ये तो मैंने इसको उधर पानी में ठोक दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फ्रैंकलिन की बोट डैमेज हो गई, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे नहीं तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगी। गाइस देखो ये बोट का तो मुझे कुछ काम नहीं, इसको तो मैं लैंड पे ले जाऊंगा। आइए हाश 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 गाइस ये देखो बच गया मैं, यहाँ पे आ गया। अरे बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने। फ्रैंकलिन तुझे छोड़ेंगे नहीं हम, तो अभी तक सबसे जायंट वाली हल्क शार्क नहीं बना है। अरे अभी नहीं बनाऊ तो क्या हुआ, बन जाऊंगा। ये देखो मेरे को एक और हल्क की शार्क कैंडी मिल चुकी है। अरे बेटा थैंक यू, तूने मेरी जान बचा ली, तू ये शार्क की कैंडी को डिजर्व करता है, जल्दी से इसको खा ले जिससे तू अपग्रेड हो जाए। ओहो गाइस जल्दी से मैं इसको खा लेता हूँ। नम 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 नम। ओ माय गॉड गाइस ये देखो यार मैं तो कितनी डेंजरस हल्क शार्क बन चुका। अरे हाँ बेटा तेरे जैसा स्मार्ट तो कोई भी नहीं है। और गाइस ये देखो मैं शार्क बन चुका, मतलब मेरे पास वाटर की पावर्स आ गई, उसके कारण ये देखो यार मैं तो वाटर को आइस में कन्वर्ट करके मेरे पास कितनी तगड़ी पावर आ गई है। अरे हाँ बेटा बहुत तगड़ी पावर्स आ गई है तेरे पास तो पानी की। हाँ गाइस पानी की और आइस की पावर सेम ही होती है ना, इसके कारण देखो मुझे इतनी तगड़ी पावर्स मिल चुकी है। अरे बेटा पर यहाँ पे देखे कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें पार्ट लेके तो खुद को एक और भी ज्यादा खतरनाक जायंट शार्क हल्क में कन्वर्ट कर सकता है। व्हाट जायंट शार्क हल्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मुझे ये कॉम्पिटिशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया आपने। अरे बेटा बताने ही वाला था पर मैं भूल गया, माफ कर दे, जल्दी से उस तक पहुंच जा, मैं वहां पे तेरा कंपटीशन में नाम लिखवा देता हूँ। अरे हाँ हाँ लिखवा दो। गाइस ये देखो यार अंकल की मैंने मदद करी, इसके लिए अंकल भी मेरी मदद कर रहे हैं। तो गाइस इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है कि तुम्हें सब लोगों की मदद करनी चाहिए सब टाइम। लेट्स गो गाइस, यार कितना ज्यादा मजा आएगा मुझे तो एक जायंट हल्क शार्क में कन्वर्ट होने के लिए। गाइस यहाँ पे देखो यार जल्दी जल्दी मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे है ना मुझे मिल चुका है एक हल्क के शार्क कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका।
ही फ्रैंकलिन तो आ गया क्या? अरे हाँ आ गया आ गया। तो चलो यार, तूने मेरे दादाजी की मदद करी थी तो इसके लिए मैं तुझे कंपटीशन में पार्ट लेने दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, हमारा कंपटीटर फ्रैंकलिन रेड हल्क शार्क डेंजरस वाली और यहाँ पे तीन शार्क हेड आ गए। अरे वाह गाइस, ये देखो ये तो इंसान है, इन्होंने है ना शार्क की चॉकलेट्स खा ली, इनके लिए इनके है ना शार्क हेड्स आ गए, पर ये फुल्ली तरह से अपग्रेड नहीं हुए। और हाँ बाबा जी बिल्कुल सही बोला, हमको तो शार्क की पूरी बॉडी चाहिए। अरे नहीं मुझे बॉडी चाहिए। और नहीं मैं बॉडी लूंगा। अरे कौन बॉडी लेगा कौन नहीं लेगा वो तो अभी सर जी बताएंगे ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे देखो हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे व्हीकल्स अरेंज कर रखे हैं, तुम सब लोगों को एक एक करके व्हीकल्स पे जाना है, फिर तुम्हें ये गाड़ियां लेके आगे जाना पड़ेगा। ये बॉल्स देख रहे हो, इनको नीचे गिराना पड़ेगा तुम्हें और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा टर्न्स है, अगर तुम्हारी गाड़ी यहाँ से नीचे चली गई तो शार्क से भरे हुए पानी में जाओगे और वो शार्क तुम्हें डायरेक्ट खा जाएगी। ओह माय गॉड, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद देखो हमें यहाँ पे आगे जाना है। अरे हाँ बच्चे, उसके बाद तुम्हें एक एक मॉन्स्टर ट्रक उठानी है यहाँ से और यहाँ से अपनी पसंदीदार मॉन्स्टर ट्रक को आगे लेके जाना है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पतले रास्ते है, इसके लिए मॉन्स्टर ट्रक तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करवाएगी और अगर ये टर्न से नीचे गिर गए तो शार्क से भरे हुए पानी में गिर जाओगे। ओह नो गाइस, उसके बाद देखो यहाँ पे एक और रैंप लेना है, ये वाले बॉल से बचना और आगे जाना है। हाँ बिल्कुल सही बोला, फिर तुम्हें यहाँ से एक बाइक उठानी पड़ेगी और ये बाइक को बहुत ज्यादा पतले रस्तों पे चलाना है। अब तो इस यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस टेस्ट होगा। उसके बाद तुम्हें ये खतरनाक रैंप लेना है और ये वेल के ब्रिज पे से आगे जाना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ से स्पीड बोट उठानी है और ये स्पीड बोट उठा के जब तुम एंड में पहुंचोगे तो तुम्हें ना यहाँ पे ये वाली जायंट हल्क शार्क का सूट मिल जाएगा। ओ माय गॉड गाइस, ये रेड हल्क का जायंट हल्क शार्क का सूट तो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मुझे ये वाला सूट चाहिए। अरे मैं ब्लू शार्क हेड हूँ, जीतूंगा तो मैं ही। अरे नहीं मैं वुड कलर की शार्क हूँ, ब्राउन शार्क ही जीतेगी। अरे नहीं मैं तो कलरफुल शार्क हूँ, मैं जीतूंगा। और तुम सब डुप्लीकेट शार्क हो, मेरे पास रेड हल्क के शार्क की पावर से जीतूंगा तो मैं। अरे तेरे पास अच्छी पावर है पर मुझे देख, मैं तो कितना स्ट्रांग हूँ, मैं जीतूंगा। अरे फ्रैंकलिन लड़ाई अपने दोनों के बीच ही है, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ हाँ ये तो कंपटीशन कौन जीतेगा देखते हैं। जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो हम कंपटीशन को शुरू कर पाए। सबसे पहले ब्लू शार्क हेड जाएगा। यहाँ पे गाइस देखो ये ब्लू शार्क हेड जा रहा है, कौन सी गाड़ी ले गए? तो अरे मैं तो ये मिडनाइट कलर की गाड़ी लूंगा, इसमें बहुत मजा आएगा मुझे। अरे देखते ही क्या कर पाते, देखो इसने येलो बॉल को धक्का मार के आगे गिरा दिया है, अभी देखो ये फुल स्पीड में आगे जा रहा है। ही मैं तो फुल स्पीड में ही आगे जाऊंगा, ब्लू शार्क हेड हूँ, मुझे तो पानी से बात करना बहुत अच्छा लगता है। अरे पानी से बातें नहीं, हवा से बातें करना अच्छा लगना चाहिए। अरे ये देखो मैंने क्या किया, पर ये देखो मैं अपनी गाड़ी को हवा में ब्रेक मार सकता हूँ। अरे नहीं मार सकता भाई, पानी में जा रहा तू तो। अरे मैंने गलत बात बोल दी, पानी से बातें करने की बात नहीं करनी चाहिए थी, अब देखो मैं पानी में ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो एक शार्क हूँ, यहाँ पे फटाफट से ठंडे ठंडे पानी में नहा लेता हूँ। गाइस देखो यार ये तो कितना इजीली आउट हो गया यार, इसको तो पर कोई शार्क खाने अभी तक आई नहीं है। अरे मैं ब्लू शार्क हेड हूँ ना इसके लिए। ये ब्लू शार्क हेड से तो कुछ होने नहीं वाला था, मुझे पहले से ही पता था ब्राउन शार्क हेड जीतेगा। गाइस ये देखो ब्राउन शार्क हेड अभी जा रहा है, देखते हैं क्या कर पाता है। अरे मैं तो बहुत कुछ करके बताऊंगा, एक चीज मैंने सीख ली है, ये है ना चैलेंजेस में जल्दीबाजी से काम नहीं होता, तुम्हें एकदम आहिस्ता आहिस्ता जाना चाहिए। अरे आहिस्ता आहिस्ता बोल के 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। अरे देखो अभी भले जा रहा होता पर ये देखो ये तो नीचे चला गया ना धीमे धीमे, ये देखो चलो मेरा आगे जाने का टाइम आ चुका है। गाइस ये देखो ये अंकल तो आगे जा रहे, पर भाई ये तो गलती नहीं कर रहे, फटाफट स्पीड में नहीं जा रहे, स्लो स्लो स्पीड में जा रहे। ही मैंने बोला था ना मैं मेरा लेसन सीख चुका हूँ, चलो हटो मेरे सामने से, मैं तो आगे जाके ही रहूंगा। गाइस ये देखो यार ये ब्राउन शार्क हेड ने तो एक चीज मुझे समझा दी कि भाई ज्यादा स्पीड में आगे नहीं जाना। अरे फ्रैंकलिन तुझे तभी मैं बहुत कुछ चीजें सिखाऊंगा, यहाँ पे से देखो मैं सबसे बड़ा वाला ट्रक पिकअप करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे बड़े वाला ट्रक ही सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। कौन सा वाला ट्रक लूँ? एक काम करता हूँ ये ब्लू टायर वाला सबसे बड़ा वाला ट्रक ले लेता हूँ। गाइस ये देखो बड़े वाले ट्रक में बैठ गए, चलो चलते। ही मेरा बड़ा वाला ट्रक में ये पहाड़ पे चढ़ने मेरी बहुत मदद करेगा, यहाँ पे भी मैं मेरा ध्यान रखूंगा, स्लो स्लो जाऊंगा। अरे हाँ अंकल स्लो स्लो जाओ, पर यार आपने थोड़ा ज्यादा बड़ा ट्रक नहीं ले लिया? अरे हाँ ये तो मैंने गलती कर दी, मैंने तो बहुत ज्यादा बड़ा ट्रक ले लिया, थोड़ा छोटा ट्रक लेना चाहिए था मुझे। अरे दोनों को कुछ खबर नहीं, मैं कलरफुल हूँ, मेरे को पता है कैसे दुनिया जीती जाती है। गाइस ये देखो अभी कलरफुल शार्क हेड आगे जा रहा है, अभी पता नहीं यार ये क्या करेगा। अरे मैं तो सब कुछ करके बताऊंगा, देखो यार ना स्पीड की जरूरत है ना स्लो होने की, तुम्हें जरूरत है सिर्फ एक कलरफुल शार्क हेड होने की। ये तो राइमिंग काफी अच्छी कर रहा है, पर मेरे को तो नहीं लग रहा है कुछ सही से कर पाएगा, ये देखो तो नीचे गिरने वाला है। अरे ये क्या किया, इसे तो ड्रिफ्ट मार ली। अरे मैं कलरफुल शार्क हेड हूँ फ्रैंकलिन, मुझे कमजोर मत समझना, मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे बुद्धू मत समझना। अरे मैंने तो बुद्धू तो बोला ही नहीं, मुझे लगा था सिर्फ तू पानी में गिर जाएगा। अरे नहीं गिरूंगा मैं बिल्कुल भी पानी में, मेरा नाम है खतरनाक पानी में। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है, इसे तो पागल हो चुका है। चलो अंकल आप बताओ आप कौन सी है ना मॉन्स्टर ट्रक सिलेक्ट करोगे? फ्रैंकलिन ये देख यार यहाँ पे बहुत सारी मॉन्स्टर ट्रक है, मैं तो ये छोटी वाली सबसे मॉन्स्टर ट्रक सिलेक्ट करूंगा, ये वाली मॉन्स्टर ट्रक ही मुझे जिताएगी। अच्छा ये वाली मॉन्स्टर ट्रक आपको जिताएगी, अब मुझे तो पता नहीं जीता पाएगी कि नहीं, चलो देख
दिखते गाइस। ये अंकल देखो ये वाली ट्रक में बैठ गए। अब यार ये वाली ट्रक देखो छोटी तो पक्का है, पर गाइस इसमें इनफ पावर होगी क्या कि यहाँ पे सारे जंप वंप कर दे। अरे गई गई। अरे नहीं नहीं, ये देखो मैंने इसको संभाल लिया, यहाँ पे ये कहीं नहीं जा पाएगी। ओके गाइस ये देखो यार यहाँ पे जा रहे है, ये फटाफट से ना फुल स्पीड में अंकल जा रहे। अंकल जी पर आपकी ट्रक तो बहुत छोटी है, यहाँ पे आगे जंप आएगा उसमें तो इतनी पावर नहीं होगी, कर पाएगी? नहीं नहीं कर लेगी कर लेगी। चलो देखते हैं मेरी ट्रक में इतनी पावर है कि नहीं। गाइस ये देखो ये अंकल ने तो बहुत ज्यादा छोटी ट्रक ले ली है, इसकी स्पीड भले ही 100 के आसपास है पर ये देखो ये तो जंप कोई क्लियर नहीं कर पाएगी। अरे नहीं फ्रैंकलिन, तेरे है ना मुंह में कीड़े पड़े, तूने मेरे को जिंक्स कर दिया। मैं तो जा रहा हूँ मेरी शार्क मम्मी के पास है। फ्रैंकलिन मैंने तो बोला ही था ना, अपने दोनों ही रियल कॉम्पिटिशन है क्योंकि अपने दोनों ही शार्क हल्क है। ये सारे बुद्धू लोगों को कौन बताए कि कैसे असली शार्क हल्क बना जाता है। ये देखो असली शार्क हल्क तो पिंक कलर की ट्रक में बैठते हैं। ये देखो मैं ये वाले बॉल को भी गिरा दूंगा और ये वाले बॉल को भी गिरा दूंगा और ये वाले बॉल को भी गिरा दूंगा। अरे मेरे लिए तो एक बॉल छोड़। नहीं सारे बॉल को मैं अकेला ही गिराऊंगा। अरे यार ये शार्क हल्क तो कितना ज्यादा ग्रीडी है। और ये देख मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं ये बॉल से भी आगे चला गया। और देख अभी स्पीड भले ही ज्यादा है पर मैं टर्न भी उतने ज्यादा अच्छे से लूंगा क्योंकि मेरी जो लैम्बोर्गिनी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गाइस यार सही बोला, इसकी तो लैम्बोर्गिनी देखो यार क्या मस्त टर्न ले रही है। ही ही फ्रैंकलिन तुझे क्या लगा था मैं शार्क हल्क कमजोर हूँ तेरे से साइज छोटी है? तो नहीं नहीं, मेरी साइज तुझसे ज्यादा छोटी है, इसके लिए मैं तेरे से ज्यादा फास्ट होऊंगा। अरे हाँ ये बात भी तो सही है गाइस, मेरी साइज थोड़ी ज्यादा ही बड़ी हो गई है। लेट्स गो गाइस, देखो जल्दी जल्दी से आगे जाते। और ये देखो ये क्या हुआ, ओ माय गॉड गाइस ये कौन सी लगा? अरे मैं तो ये वाली पिंक ट्रक लेने वाला हूँ। ये वाली पिंक ट्रक छोटी भी और इसे पावर भी बहुत है, मुझे सब कुछ पता है। और नो गाइस यार मैं तो खुद ये पिंक ट्रक लेने का सोचा था क्योंकि इसमें पिंक कलर के ट्रक है और है ना इसमें ये ग्रीन कलर के व्हील्स और ग्रीन कलर के तो तुम्हें पता है व्हील्स है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ इसमें ग्रीन हल्क की पावर है। हाँ 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 यही तो सीक्रेट है। ये देख यार ये वाली ट्रक तो कितने अच्छे से मैं यहाँ पे चला पा रहा हूँ। अरे हाँ अंकल जी बहुत अच्छे से चला तो पा रहे हो पर ये तो चीटिंग हो रही है यार, आप तो बहुत ज्यादा आगे चले जाओगे। अरे मैं पूरा आगे नहीं जाऊंगा, पूरी रेस को ही मैं ही जीतने वाला हूँ, तेरे को मौका ही नहीं मिलने वाला। ओ नो गाइस अच्छा है चलो इसकी व्हील घूम गए। भले घूम गई पर ये देख मैंने अपनी ट्रक को संभाल लिया है और ये ट्रक का एक्सेलरेशन इतना ज्यादा है ना कि इतने छोटे से एक्सेलरेशन में पूरे गैप को पार कर देगी वो। ये देख गड़बड़ हुई थी फिर भी ट्रक ने खुद को सीधा कर लिया, मेरी हल्की ट्रक सबसे बेस्ट है। अरे नहीं यार ये हल्की ट्रक तो इनकी सच्ची में बहुत ज्यादा बेस्ट है। अरे मैं ब्रेक लगाना तो भूल ही गया बेस्ट के चक्कर में। अरे नहीं ये क्या हो गया, मैं थोड़ा ओवर एक्साइट हो गया था इसके लिए मेरी ट्रक ने ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं मैं यहाँ पे दौड़ना चालू कर देता हूँ जिससे मैं फिनिश लाइन पे फ्रैंकलिन से पहले पहुंच जाऊँ। अरे नहीं 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 फिनिश लाइन पे पहले नहीं पहुंचने देना गाइस, जल्दी से देखो यार मुझे यहाँ ये वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा, फटाफट जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन जल्दी जाओ, अगर उसने है ना पहले वो रेड शार्क हल्क का सूट हथिया लिया तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे नहीं 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 मुझे तो बहुत कुछ करना है, तुम्हारा फुल सपोर्ट चाहिए। देखो यार मेरे पास भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी सुपर कार है जिसका मैं इस्तेमाल करके है ना फटाफट से ये काम कर सकता हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन तुम्हारी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे ये रहा ये इधर तोड़ रहा है, ओ ये देखो उठा दिया। फ्रैंकलिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे एक्सीडेंट करके मारा। ओ गाइस चलो यार अब मेरे को जल्दी करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अंकल को मैंने एक्सीडेंट करके है ना उनकी टांगे तोड़ दी है, तब यहाँ पे तो सिर्फ मैं जा पाऊंगा। यहाँ पे देखो गाड़ियों का ढगला लग गया और सारी गाड़ियों के टायर कैसे मस्त है, टायर नहीं आई मीन दरवाजे ऊपर उठ के जाते। पर गाइस अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार यहाँ पे मैं कौन सी गाड़ी लूँ। ये देखो ये वाली साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, इसके भी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। आई थिंक यार मुझे ये वाली ट्रक ही लेनी चाहिए, ये वाली ट्रक बीच वाली साइज की है, मतलब इसके साइज इतनी बड़ी है कि यार मेरे को इनफ पावर मिलेगी पर इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है कि मेरे को ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं नहीं फ्रैंकलिन तो नीचे गिर जाएगा ये वाली ट्रक से। अरे नहीं 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 गिरूंगा नहीं गिरूंगा गाइस, देखो यार यहाँ पे नीचे जाना है। ओके गाइस देखो ये ट्रक आई थिंक जस्ट इनफ साइज की है कि मैं ये पतले वाले एरिया से गिरूं नहीं। ओके गाइस चलो ये तो अच्छा काम हो गया, अब बस मुझे यहाँ पे टर्न मारते हुए ध्यान रखना है कि गिरना नहीं है। और आगे देखो जो जंप आएगा ना तो वो बॉल से बचना है जिससे वो अंकल जी थड़ाए थे ना उनसे नहीं थड़ाना है। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन थड़ा जा थड़ा जा। अरे नहीं थड़ाऊंगा नहीं थड़ाऊंगा। अब गाइस देखो यहाँ पे मुझे जंप को फुल स्पीड से करना है, ये देखो करा, पर अब मुझे ब्रेक भी मारनी शुरू करनी है जिससे है ना मैं यहाँ पे गलत जगह गिरना जो आई 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 आई। ओके 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 ये देखो ट्रक ने खुद को थोड़ा सा सीधा कर लिया था। अरे मैंने स्पीड थोड़ी ज्यादा स्लो कर ली है, रुको 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 मेरे को थोड़ा सा रिवर्स लेके थोड़ा सा बूस्ट लेना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे गया। ओके 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 बस 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 बस। अरे गिरना नहीं था मुझे। अरे ये फ्रैंकलिन तो यार सब लोगों की स्ट्रेटेजी देख देख के सीख गया है, इसको लास्ट जाने का मौका किसने दिया? अरे देखो लास्ट जाने का मैं रिस्क लेता हूँ तो इस साबित हो सकता है ना मेरे से पहले कोई जीत जाता है। अरे हाँ ये बात भी सही है, फ्रैंकलिन रिस्क लेता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। बिल्कुल सही बोला। ओके गाइस तो देखो यार यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ। अरे ये क्या है सर्फ बोर्ड के ऊपर से धीमे धीमे जा रहे। ओके 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 ये देखो यहाँ पे जा रहे। अरे इतने सारे बॉल गिर रहे यार। नहीं 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 ओके यार ये एरोप्लेन के ऊपर से जा रहा हूँ, एरोप्लेन के ऊपर जाने में तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं 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 ओके 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 गाइस ये देखो रैंप पे आ गया। गाइस अब तो मुझे बस थोड़ा
थोड़ा सा पार्ट करना है, यहाँ पे देखो फुल रैंप लेना है, फिर तो यार एक बार मैं स्पीड बोट पे पहुंच गया ना, वहां से तो एकदम इजी हो जाएगा। अरे फ्रैंकलिन, तो ये वेल वाला चैलेंज तो कभी पार नहीं कर पाएगा। अरे नहीं 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 गाइस, ये देखो सारी वेल के ऊपर से मैं पहुंच गया, यानी मुझे स्पीड बोट पे बैठने का मौका मिल जाएगा, मतलब मैं 90% वे तो डन हूं। अरे हां फ्रैंकलिन, देखो वो जायंट हल्क शार्क का सूट तुम्हारे सामने है। गाइस इसको तो मैं लेके रहूंगा, बिल्कुल भी बचूंगा नहीं। ये देखो इस पे मैं जा रहा हूं, और ये फुल स्पीड में देखो स्पीड बोट को मैंने पानी में भी उतार लिया। अब यार यहां पे ऐसे तो मुझे स्पीड बोट की जरूरत नहीं, मैं हल्क शार्क हूं, पर यार अब यहां पे स्पीड बोट प्रोवाइड करिए तो मैं उसका इस्तेमाल कर ही लेता हूं ना। अरे हां फ्रैंकलिन, कर लो कर लो। अरे नहीं, ये फ्रैंकलिन तो ये बड़ा वाला जायंट रेड हल्क शार्क का सूट जीत ही लेगा। अरे हां बिल्कुल सही बोला फ्रैंकलिन, तो ये जीत के रहेगा। आ बाप रे यार, यहां पे इतने सारे बीच में कठिनाई आ रही है, पर मैं देखो इस पे जीत जाऊंगा। आई आई पहुंच गया गाइस, ये देखो मैं जायंट रेड हल्क के शार्क के सूट तक पहुंच ही गया हूं। जल्दी जल्दी इसको ले लेता हूं। फ्रैंकलिन ले लो ले लो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओ गाइस ये देखो गाइस, यार मुझे तो एक जायंट हल्क शार्क का सूट मिल चुका है। यार इसकी पावर्स तो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। अरे हां फ्रैंकलिन, बहुत खतरनाक पावर्स है ये वाले शार्क सूट के पास। तो गाइस देखो यार, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। यहां पे देखो यार, मुझे इतना बड़ा हल्क शार्क का जायंट सूट मिल चुका है। तुम्हें भी ये वाला सूट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शायद तुम्हें भी मिल जाए। और देखो यार, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है वो भी देखो, बहुत अच्छा है। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GT5 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।